हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शब्बिका किचन। स्ट्रॉबेरीज का सीजन है तो क्यों ना आज स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाया जाए। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है और ये एक हेल्दी रेसिपी है जिसे आप ब्रेकफास्ट में इजीली बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज अगर साइज में बड़े हो तो आप इसे बीच से कट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किए हैं। कट किए हुए बनाना पीसेस, मैंने 2 बनाना और 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज ऐड किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर या शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा दूध। याद रखिए हमें इसमें चिल्ड मिल्क ही यूज़ करना है। अगर आपके पास ठंडा दूध ना हो तो आप इसमें आइस यानी कि बर्फ़ भी ऐड कर सकते हो। अब हम ब्लेंडिंग जार को लिड से कवर कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसे एक स्मूथ कंसिस्टेंसी तक ब्लेंड कर लेना है। याद रखिए स्ट्रॉबेरीज जितनी ज़्यादा ब्लेंड होगी उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मिल्कशेक 5 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहो तो इसमें स्ट्रॉबेरीज के चंक्स भी ऐड कर सकते हो। अब हम एक स्ट्रॉबेरी को बीच से कट करके उसे ग्लास में लगा देंगे जिससे कि ये थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनके तैयार हो चुका है। इस स्ट्रॉबेरी सीजन स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय।